वैसे तो वियतनाम में कॉफ़ी शॉप्स की भरमार है, लेकिन चलो आज मैं पहली बार ये आइलैंड्स की ट्राई कर रहा हूँ जब यहाँ से वियतनाम को छोड़कर जा रहा हूँ। ये दिया ना, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वो तैयार हो जाएगी तो ये बीप करने लग जाएगा। मैंने थाईलैंड में भी दिखाया था आप लोगों को। ये देखो भाई, ये करने लग गया ना बीप, इसका मतलब ये कॉफ़ी तैयार हो गई अपनी। मैकबुक एयर, थैंक यू सो मच भाई। अपने जो बिजेंद्र भाई हैं जयपुर से, उन्होंने अपने को 30,000 रुपये दिए इसमें। इस मैकबुक को खरीदने में टोटल जो रुपये लगे हैं वो लगे हैं 1,76,90,000। बहुत कॉस्टली है भाई सब, बट ठीक है, फाइनली हो गया है। सबसे पहले अपनी आ गई है भाई मैंगो लस्सी, एकदम फ्रेश मैंगो वाली, जो कि मैं हर जगह की ट्राई करता हूँ, तो यहाँ की भी ट्राई करना बनती है। बिना स्ट्रो के पी लेता हूँ। देखो भाई, पतझड़ का मौसम है तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये, सारी की सारी दुकानें फूल आ रखे हैं पेड़ पौधों पर। सो भाई, जहाँ से सुबह स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गए हैं। और ये देखो, ये है ना, ये हाइपर की है जो भाई बहुत कॉस्टली है, यहाँ पर लगभग 17,90,000 की। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:14 हो गए हैं और मैं आज जा रहा हूँ अभी यहाँ से अपना जो लैपटॉप है वो लेने के लिए, यानी हमारा जो मैकबुक एयर है वो आने वाला है। सुपर एक्साइटेड, इस व्लॉग में बहुत सारे काम करने हैं। और आज फिर से एक जो कपड़ों का ब्रांड है वहाँ ट्राई करूँगा कुछ लोअर टी शर्ट लेने के लिए, क्योंकि एक्सपेंसिव हम खरीद नहीं सकते। एक लोकल ब्रांड है आयोन करके, आई डोंट नो क्या नाम है, तो मैंने गूगल पर देखा तो वहीं जाऊँगा अभी खरीदने के लिए। तो आज का दिन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, मैं हमेशा कैफे अमेजन की कॉफ़ी पीता था। वैसे ही वियतनाम में एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, उसका नाम है हाईलैंड्स कॉफ़ी शॉप, जो यहाँ पर हर एक दो किलोमीटर पर, और वियतनाम में आपको हर जगह मिल जाएगी। हानोई में तो बहुत सारे स्टोर्स हैं और भी दूसरे कोने में। तो हम सबसे पहले पियेंगे कॉफ़ी, दूसरा काम जाएंगे लैपटॉप यानी हमारा जो मैकबुक एयर है वो खरीदने के लिए, तीसरा काम हमारा होगा कपड़े खरीदना, चौथा काम यहाँ पर एक लेक है वो घूमना, और भी बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज होली के आसपास के दिन है, तो हैप्पी होली आप सभी को फिर से। और अगर आप पहली बार यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो बता दूं, मैं इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर कर रहा हूं। इस वक्त वियतनाम यानी मेरे चौथे देश में हूं, और अगले 3 दिन बाद मैं होऊंगा चाइना में। सो हम चाइना जा रहे हैं, इसके बाद में फटाफट काम कंप्लीट करने के बाद कल सुबह यहां से राइड स्टार्ट कर देंगे। ना ऐसे शटर लगे होते हैं, जैसे अभी मैं निकल रहा हूं अपने लर्न को यहां से बाहर निकाल रहा हूं, तो ये देखो शटर लगा हुआ है और ये बटन है, मैंने बटन दबाया तो खुल गया। सब घरों में ऐसे शटर लगा के रखते हैं। और ये यहाँ के इनके देवता हैं, देखो नमो बुद्धाय, महात्मा बुद्ध जी के रूप में, लेकिन चाइनीज बोलता। सो भाई देखो, ये बटन होता है इसका, इसको दबाएंगे ना तो फिर ये खुल जाएगा और बंद हो जाएगा। तो मैंने इसको दबाकर अब बंद कर दिया, तो एक बंदा भी बाहर निकलेगा तो जो यहाँ रह रहा है सबको दे रखे हैं, तो जो भी बाहर निकलेगा अंदर आएगा उसके पास ही होगा। बढ़िया चीज़ है ना। इस वक्त मैं वियतनाम की राजधानी हानोई में हूँ, तो हानोई के अंदर बहुत सारी झीलें हैं, कह सकते हैं कि लेक सिटी। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इंडिया में लेक सिटी कौन से शहर को बोला जाता है, और वियतनाम में तो भाई हानोई है, बहुत सारी लेक है। मेरे राइट साइड में आप देख रहे होंगे, ये लो अपन लोग पहुंच गए हैं अपनी कॉफ़ी शॉप हाईलैंड्स पर, जो कि यहाँ नज़दीक ही है बहुत ज़्यादा। वैसे तो वियतनाम में कॉफ़ी शॉप्स की भरमार है, लेकिन चलो आज मैं पहली बार ये हाईलैंड्स की ट्राई कर रहा हूँ जब यहाँ से वियतनाम को छोड़ कर जा रहा हूँ। ये इनका लोगो भाई, सब लोकेशन पर रहता है और यहाँ अपनी लेलैंड पार्क कर दी। चलो जी, खोलते हैं, इधर खुलेगा, अंदर खुलेगा, बाहर खुलेगा। आ गया हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पे आया हूँ। देखो वैसे तो वर्क स्टेशन होता है, सब लोग काम कर रहे हैं अपना, यहाँ लैपटॉप तो लगे हुए चारों तरफ, ऐसा लग रहा है किसी ऑफिस में आ गया हूँ। बाकी मैंने ऑर्डर किया भाई ये कॉफ़ी, देखो इसके अंदर मिल्क कॉफ़ी है और एक ये खाने की चीज़ है। इसमें इन्होंने लिया भाई 1,07,000, मीन्स अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो लगभग 350 रुपये के आसपास है, बट ठीक है, इट्स ओके। और ये भाई देखो, इसके अंदर ये दिया ना, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वो तैयार हो जाएगी तो ये बीप करने लग जाएगा। मैंने थाईलैंड में भी दिखाया था आप लोगों को, कैफे अमेजन में बीप 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 करने लग जाएगा। 9 नंबर है अपना चाहिए, तो जैसे ही रेडी होगा पता चल जाएगा। इस तरफ देखोगे भाई, ये लेक का नज़ारा है, और यहाँ की कॉफ़ी मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। इनका बहुत अच्छा है, इंटीरियर वगैरह अच्छा बना रखा है बैठने बैठने के लिए, और कॉफ़ी भी रेट में अगर बात करें तो उतनी है जितनी वहाँ की थी। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा मैं, वियतनाम की कॉफ़ी अगर आप कॉफ़ी नहीं पी रहे हो तो यहाँ मत पीना भाई, नशा हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट्स तेज़ हो जाएगी, यानी आपको ऐसे बॉडी कांपने लग जाएगी। कुछ खा पी के कॉफ़ी पीना ऐसे मत पी लेना, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है भाई। ये देखो भाई, ये करने लग गया ना बीप, इसका मतलब ये कॉफ़ी तैयार हो गई अपनी, नीचे जाके लेकर आना है। ये चीज़ वैसे सही है, पता चल जाता है। ये देखो, थैंक यू। ये लो भाई, अपना सारा सीन आ गया, अब मैं लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। फाइनली दोस्तों, कॉफ़ी पी ली है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा। ये एक डेविड थाई नाम का बंदा था, जो वियतनामी जो अमेरिकी था, तो उस बंदे ने यहाँ पर ये हाईलैंड्स कॉफ़ी स्टार्ट की थी।
और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वियतनाम में, मतलब बहुत सारी इसकी ब्रांच हैं पूरे हानोई में, होचीमिन में, सब जगह पर। और पहली शॉप इन्होंने हानोई में खोली थी, ये नहीं है पहली शॉप, कहीं और खोली थी। और आज ये कहूँगा कि वियतनाम का मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है कॉफ़ी के अंदर। और ये जो किसान वगैरह हैं जहाँ पर कॉफ़ी वगैरह बनाई जाती है, उनको सपोर्ट करने के लिए, जहाँ उगती है जैसे होती है ना सारी कॉफ़ी वाला, ताकि उनसे खरीद कर उनको सपोर्ट किया जा सके, उनका ध्यान रखा जा सके और उनको थोड़ा प्रॉफिट हो, उसके लिए उस बंदे ने बनाई थी। बड़ी सही दुकान है, चारों तरफ इसकी फैली हुई ब्रांचेज हैं। और ये इसका लोगो है भाई हाइलैंड्स का, बढ़िया लगा मुझे, ठीक ठीक कॉफ़ी। अब चलो चलते हैं, अपना जो लैपटॉप है उनका कॉल आ गया है और टाइम हो गया भाई, 10:41 हो गई। अब लैपटॉप खरीदते हैं और उसके बाद करेंगे आगे काम। तो भाई 2 किलोमीटर राइड करके पहुंच गया हूँ, सामने वो दुकान देख रहे हो FPT लिखा हुआ 286, वहाँ से खरीद रहा हूँ भाई साहब। तो बस ये रोड ही पार करनी है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक भयानक वाला देखो चारों तरफ, तो इंतज़ार कर रहा हूँ रेड लाइट का होने का, फिर जाऊँगा उधर। बस डर मुझे एक चीज़ का लग रहा है कि मेरा SBI का जो ATM है ना वो चल जाए भाई, कहीं छुट्टी पर ना हो SBI बैंक वाले पिछली बार की तरह, जो जो चाइना के वीज़ा में दिक्कत हुई थी। सो भाई देखो अपना ये सीन है, मैकबुक एयर 8GB 256 13 इंच मैकबुक एयर एप्पल M1 चिप, ठीक है। देखो ये है अपना जो मैकबुक एयर है, ये देख सकते हो इसमें मैंने ले लिया है। और यहाँ का जो पेमेंट है वो भाई 17-18 मिलियन के आसपास है। यस यू कैन ओपन, यस थैंक यू सो मच भाई, अपने जो विजेंद्र भाई हैं जयपुर से, उन्होंने अपने को 30,000 रुपये दिए इसमें। अब मैं बताता हूँ टोटल कितने लगे हैं मेरे, ये कलर लिया भाई मैंने, सो इट्स ब्रांड न्यू भाई, फाइनली ओपन हो गया, थैंक यू सो मच ब्रदर, कम ऑन। सो ये भाई ओपन हो रहा है, देखो लाइफ में मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन पहली बार ही मैं ओपन करूँगा इसको, यूज़ करूँगा। हेलो भाई, हेलो, कैन आई सेट अप फॉर यू? यस यस प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच। और फाइनली अपना काम हो गया है, ले लिया मैंने, पेमेंट कर दिया मैंने यहाँ पर। इस मैकबुक को खरीदने में टोटल जो रुपए लगे हैं वो लगे हैं 1,76,90,000, बहुत कॉस्ट लिया भाई साहब, बट ठीक है फाइनली हो गया है। फाइनली ले लिया इस दुकान से, यहाँ पर ये दुकान है और सही मिल गया। इंडिया में भाई इसकी प्राइस है वो है मेरे ख्याल से, गूगल पे मेरे को, अमेजन पे दिखा रहा था 75,000 रुपये, बाकी एप्पल का पता नहीं कितना क्या सीन है। और यहाँ मेरे को मिला भाई 60,000, यानी 15,000 का डिफरेंस है यहाँ से, तो मैंने ले लिया। फिर सोचा यार लेना तो है ही, बाकी चीज़ें बहुत कॉस्टली थी, बैग वैग भी 3,000 रुपये का था, कनेक्टर्स आते 5,000 रुपये के थे, वो नहीं लिए मैंने। तो दोस्तों यहाँ पर है अपना मैकबुक, अभी मैं इसको फिर से अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। सो भाई यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ से देखना होगा, अभी अकेले रहने का ये रीजन है भाई, क्या सीन हो गया, खुल जा सिम सिम, ये भाई खुल गया है सिस्टम इसका। और सबसे पहले भाई एक ये चीज़ मिलती है, इसको हटाने के बाद अपन लोग, हमारे सामने मौजूद है हमारा बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मैकबुक एयर, जो मैं पहली बार यूज़ करने वाला हूँ लाइफ में, तो चलो जी खोलते हैं इसको। सो ये लो भाई अपना, ये अपना पहला एप्पल का प्रोडक्ट है, इसको खोलते हैं, ये खोल गया भाई, उफ कुछ ऐसी साउंड आई है भाई खुलते ही, देखते हैं क्या नाम लिखा था इसमें, मैकबुक एयर, ये M1 चिप है, अभी फिलहाल मेरे ख्याल से M2 M3 वगैरह आ रखी है भाई। फाइनली फिर से रेडी हो गया हूँ और मैंने अपना जो लैपटॉप है उसको रख दिया, पुराने वाला लैपटॉप है, मैंने 2015 में खरीदा था भाई इसको। मैंने क्या किया अभी कि इसमें जो भी सामान है वो सारा का सारा हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर रहा हूँ, 5TB की हार्ड डिस्क मैंने खरीदी थी कुछ सालों पहले, तो वो अभी काम में आ रही है। और टाइम हो गया 2:51, अब जा रहा हूँ भाई इंडियन रेस्टोरेंट गुजरात वाले में खाना खाने के लिए, तो चलिए चल। दोस्तों यहाँ से अभी मैं निकल पड़ा हूँ और ट्रैफिक के अंदर से होते हुए जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ से 5 किलोमीटर दिखा रहा था, अभी 2.6 किलोमीटर और बचा है, दिन का पता ही नहीं चल रहा कैसे बीत रहा भाई, शाम हो गई देखो 3:30 हो गए, अब थोड़ी देर में 5 बज जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा और फिर कल तो मुझे निकलना ही है किसी भी कीमत पे, तो आज मेरे को सारे काम करवाने पड़ेंगे। आपको बोल रहा था ना वियतनाम में ग्रीनरी बहुत है भाई, देखो चारों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, हानोई में और होचीमिन में दोनों जगह ऐसा ही माहौल था, जहाँ भी मेन जो घूमने का एरिया है वो, रेड लाइट्स भी उतनी है जितने, हर थोड़े थोड़े दूर में आपको रेड लाइट्स दिख जाएंगी, होचीमिन में तो ज़्यादा हैं, बट हानोई वैसे काफ़ी पुराना शहर है, हज़ारों साल पुराना, राइट साइड में रोड्स भी काफ़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी हैं और यह नज़ारा है, तो बढ़िया लग रहा है भाई देखो सीन, और भाई देखिए थोड़ा रहे यहाँ बस लोगों का ना कहीं ब्रेक मार लेते हैं, जैसे सामने जा रहे हैं ना अचानक से टर्न कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा दर्दनाक है यहाँ पर, कोई भी कहीं से भी निकल के आ जाता तो भाई
अगर आप राइडिंग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो आपको आँख कान नाक सब खुले रखने पड़ते हैं। मुझे जो ट्रैफिक सिस्टम है वो थाईलैंड का बहुत पसंद आया। थाईलैंड में वेट करते हैं भाई साहब, और अगर आपने वियतनाम वाले थाईलैंड में चलाएंगे तो ठुकी जाएंगे, क्योंकि वो लोग इतना तेज चलाते हैं। थाईलैंड के हाईवेज के ऊपर भाई गाड़ी की स्पीड है ना वो आपको 120 से ज़्यादा ही मिलेगी, तो अगर आप आ गए बीच में तो पीस देते हैं, इसीलिए वो वेट करते हैं कभी भी रोड वोड क्रॉस करने के लिए प्रॉपर, उसके बाद ही निकलते हैं बाहर। तो दोस्तों गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट है उसकी दूरी रही है सिर्फ 800 मीटर की, और ये बीच में जो अपना सिटी सेंटर है ना वहीं पर है। वो तो रोड पार करते टाइम बीच में खड़ा हो गया भाई, ऐसी बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं लोग, पीछे भी नहीं देखते हैं भाई साहब। देखना आप सामने वाले को, रोड पे ले रहा पीछे मुड़ के नहीं देख रहा कौन सी गाड़ी स्पीड में आ रही है क्या आ रही है। सर भाई ठुकते ठुकते बच जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। अब इनको देखो, ये भाई लोग चढ़ रहे हैं देखो रोड के ऊपर, किसी ने भी मुड़ के देखा कि एक बार भी? कोई मतलब नहीं है, कहाँ पर ले रहे हैं। ये मोहतरमा को देखो आप, ओ भाई भाई भाई, ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है भाई साहब यहाँ पर, बहुत बुरा हाल। आप देखते रहो आगे। सो भाई ये आ गया अपना गुजराती रेस्टोरेंट, देखो पूरा प्योर राजस्थानी जैन फूड, गुजराती नॉर्थ इंडियन फूड, प्योर वेजिटेरियन है भाई साहब। चलो मज़ा ही आ गया, फिर तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। टाइम हो गया भाई 3:46, 9.62 किलोमीटर चलाए हैं आज मैंने अभी तक। गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, यहाँ पर प्योर खाना मिलता है, ये सारा लिखा हुआ राजस्थानी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर थाली है सबसे अच्छी काम, और लगभग तो भाई यहाँ पर ये थाली है, गुजराती थाली, पंजाबी, राजस्थानी, जैन थाली, ये प्योर वेजिटेरियन खाना यहाँ पर प्रॉपर। तो ये आप ले सकते हो 11 AM to 4 PM। सो मैंने तो भाई अपनी थाली ऑर्डर की है, और कुछ सब्जी वगैरह है, कैश्यू वगैरह की, लस्सी वगैरह, ताकि पेट भर के खाया जाए। इंडियन खाना बाहर मिल जाए तो और क्या चाहिए यार, इतने दिन ट्रैवल करने के बाद। तो भाई अब बस आ रहा है, और मेन्यू इतना बड़ा भाई, आप देखते देखते थक जाओगे कि इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं। एक एक चीज़ दे रखी है इंडिया की, आप कहीं के भी हो, आपको चाइनीज़, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, कोई सा भी हो भाई, कहीं कोई भी जगह का हो, सब खाना अवेलेबल है, लेकिन है सिर्फ प्योर वेजिटेरियन। तो भाई अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही अपना खाना आता है मैं आपको खाना भी दिखाऊँ। सबसे पहले अपनी आ गई भाई मैंगो लस्सी, एकदम फ्रेश मैंगो वाली, जो कि मैं हर जगह की ट्राई करता हूँ, तो यहाँ की भी ट्राई करना बनती है। बिना स्ट्रॉ के पी लेता हूँ। बढ़िया भाई। दोस्तों फाइनली सारा सामान आ गया, मैंने खाना ही स्टार्ट कर दिया, दिखाना भूल गया। ये अपनी भाई नॉर्थ इंडियन थाली होगी, जिसके अंदर दाल वगैरह, पनीर और सब कुछ है, पंजाबी थाली। ये होगी चपाती रोटी भाई, ये होगी तंदूरी रोटी, पापड़ हो गया, ये पानी पूरी था जो मैं खा चुका हूँ, ये भाई चीज़ गार्लिक नान, और ये भाई काजू करी है, देखो ये बना रखी है, बढ़िया वाली, स्वाद ही आ गया भाई, इतना खाना खाने वाला हूँ आज मैं। भूख लगी सुबह से, कुछ नहीं खाया, शाम के 4 बज रखे इसलिए। चलो फटाफट खाता हूँ और उसके बाद बात करेंगे भाई। फाइनली पेट भर के खाना खा लिया यार, मज़ा आ गया, काफ़ी सही खाना था यार, मुझे पता नहीं था इतना स्वाद खाना भी मिल जाएगा क्या, मज़ा आ गया भाई साहब। और ये मेनली प्योर वेजिटेरियन खाना है, सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे इन लोगों की, 100% लिखा हुआ, कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है मेन्यू में, और कहीं भी नहीं था स्वाद। भाई साहब ये जो टाइम होता है ना वियतनाम में, ये पीक टाइम होता है ऑफिसेज वगैरह का, स्कूल कॉलेज सब का, तो देख रहे हो कितना भयानक क्राउड है। और ये राइट साइड में फिर से होता ही लेके आ गए हैं जो उस दिन आए थे। यहाँ पर ये जो पकौड़ा था, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पकौड़ा है राइट साइड में, ये भाई यहाँ की जो सुपर क्राउडेड रोड, देखो गाड़ियाँ कम है, स्कूटर और स्कूटी ज़्यादा है। इस तरफ ये सनसेट का नज़ारा है अभी जो देख रहे हो आप, सनसेट हो रहा है। हाय सिंचाओ बच्ची, देखो कितनी प्यारी है, सब लोग जितने भी खड़े हैं भाई ये सनसेट का व्यू देख रहे हैं इस वक्त। ऐसा एकदम उदयपुर वाली रानी रोड की याद आ रही है, फतेह सागर के चारों तरफ है वैसे ही रोड बनी हुई है चारों तरफ, अगर कभी आप उदयपुर गए हो तो सेम माहौल आपको देखने को मिलेगा सनसेट के टाइम पर। देखो कितनी सुंदर सुंदर युवतियाँ एकदम फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं, सनसेट हो रहा है अभी, आप देख सकते हो भाई सनसेट का क्लियर नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत, सब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पर मोस्टली, जितने भी है सुंदर सुंदर लोग साइकिल्स पर। ये भाई भी बहुत धीरे चला रहे हैं, खींच ले भाई खींच ले आगे, पोज देख लो भाई साहब, सब लोग यहाँ एकदम पोज पाज मार रहे हैं, एक आधा कॉफ़ी करना हो तो। अब 6 बजने वाले हैं, पूरा भीड़ इधर ही आ रहा है, और यहाँ बहुत सारी कॉफ़ी शॉप वगैरह है, तो यहाँ क्राउड ज़्यादा रहता है, कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा ही पीते हैं लोग, उनको भी ज़्यादा ही पसंद है। और अपन भी निकल लिए भाई यहाँ से, ये लेक इनकी बहुत बड़ी है, आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखना, इसके चारों तरफ मैंने एक चक्कर मारा था साइकिल से, मज़ा आ गया था देखते ही। ये देखो भाई पतझड़ का मौसम है तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, ये सारी की सारी दुकानें फूल आ रखे हैं पेड़ पौधों पर, और ये यहाँ दुकानें देखो सारी कॉफ़ी शॉप, सब इंजॉय कर रहे हैं अभी यहाँ बैठकर, ये शाम का वक्त। और मेरी जो सरलेक ब्रांड की जो साइकिल है ना उसी का दुकान पे जा रहा हूँ अभी, तो वो अभी 6 बजे बंद हो जाएगी, 21 मिनट और बची, तो बात की थी मैं भाई थोड़ी सर्विस कर देना यार, सर्विस करवा लेता हूँ थोड़ी, काफ़ी दिन हो गए, ब्रेक ब्रेकर जो भी कमी लगेगी वो सही करवा लेंगे। देखो भाई साहब एकदम स्लो स्पीड हो जाती है यहाँ पर,
आप साइकिलिंग करते हो ना, 400-500 मीटर हो रही है अपनी दुकान है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका भाई, क्राउड। लाम वेलो करके है अपनी लीलन को लेकर, और ये सरले ब्रांड की साइकिल बेचते हैं, यहाँ तो नहीं अंदर रखी हुई है इनके पास फ्रेम वगैरह जो है। तो भाई इसके जो मैंने पूछा कितने रुपए देने हैं, इन्होंने फिक्स तो कर दिया सारा सामान, 6 बज गए हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, और मैंने बस ये चेक करवाई थोड़ी बहुत इसमें कोई है क्या। टायर तो मुझे मिले नहीं इसके, बोले हमारे पास नहीं है टायर, तो अब मैं चाइना में देखूंगा टायर, तो मेरे पास टाइम भी नहीं इतना। बट ब्रेक अपने सही हो गए, इसने बोला कोई दिक्कत नहीं है ब्रेक्स में, और फिक्स करवा लिए ब्रेक, तो वैसे खुद भी कर लेते अपन लोग, बट ठीक है काम कम्प्लीट हो गया। अब भाई 6 बज गए हैं और गुजरात वाले रेस्टोरेंट में फिर जाना, भैया का मेरे पास कॉल आ गया, और यह सामने आप ये देख सकते हो भाई लेक है, तो चलो चलते हैं यहाँ से। यहाँ साइकिल्स का बहुत क्रेज है, देखो अगली दुकान भी साइकिल की है, शेड अप बोलते हैं साइकिल को, शेड अप। तो वियतनाम की एक बात पता आपको, यहाँ की गलियाँ आपको बहुत पतली पतली दिखेंगी, लेकिन ऐसे मार्केट आपको हाईवे से अंदर आते ही मिल जाएंगे, छोटी छोटी दुकानें बहुत सारी हर कोने में। तो भाई देखो ये मार्केट है, मैं इस दुकान पर आ गया हूँ फिर से खाना पीना खा के गुजराती रेस्टोरेंट में, शाम का भी वीडियो नहीं बनाया मैंने, पहुँच गए यहाँ पर, इसमें चलना अपने को। ये भी एक ब्रांड है पीटी की, जहाँ से मैंने लैपटॉप लिया था ना, वैसे ये ब्रांड भी बहुत पॉपुलर है। तो भाई जहाँ से सुबह स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गए हैं, और ये देखो ये है ना, ये हाइपर की है, जो भाई बहुत कॉस्टली है, यहाँ पर लगभग 17,90,000 की है भाई ये, यानी इंडिया की अगर बात करें तो 5500 से भी ज़्यादा रुपए हो गए, बहुत ज़्यादा महंगी है। और सिर्फ ये पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करने के लिए आती है, देखो इसमें मल्टी फंक्शनल है, 6 हैं इसके अंदर, और मैंने लिए भाई ये, जो कि मेरे ख्याल से 2100 रुपये की, मजबूरी में लेनी पड़ रही है, नहीं मेरे लेने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि भाई मेरा उसमें कनेक्ट नहीं होगा। ये भी भाई देख लो 7,99,000 यानी 8,00,000 की है, ओह सुपर एक्सपेंसिव, बट आई हैव टू बाय इट ब्रो, मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा मेरा, वो लैपटॉप मैं वापस इंडिया भेज रहा हूँ और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे कैमरा वगैरह या फिर USB वगैरह से, तभी वो काम करेगी, और ये लेनी ही पड़ेगी, गारंटेड प्रीमियम क्वालिटी। बट ठीक है, मैंने बहुत दुकानों पर पता कर लिया भाई, कम से कम भी मान के चलो 7-8,000 रुपये की चीज़ है, लेकिन यहाँ सिर्फ ये नॉर्मल सा ब्रांड ले रहा हूँ मैं, ठीक है दुकान इससे लूँगा मैं। भाई आज होली के दिन दूसरी चीज़ और ख़रीद ली एक, ये भाई बहुत महंगी पड़ी है, बट ठीक है मैंने ले लिया आखिर यार, अब बस काम करना तो करना ही है, इतने रुपए खर्च किए तो मैंने ये भी ले ली, 2,500 रुपये की पड़ी है भाई, इंडिया में 500-700 रुपये की मिल जाती है, मेरे दोस्त ने बताया था, ठीक है बढ़िया, बट कोई नहीं चल जाएगा काम, इस दुकान से लिया भाई, सब जगह ढूंढ लिया, दूसरे ऐप PT पर गया, वहाँ पर भाई रेट थी ना वो इतनी ज़्यादा बता रहे थे, सब पर पूछ लिया मैंने, सब पर जा के कहीं भी नहीं मिली भाई। 1.5-2 किलोमीटर और जाना, बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, और बढ़ते हैं। सो दोस्तों हानोई में मेरी आज आखिरी रात है, और उसके बाद मैं चला जाऊँगा भाई अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये नज़ारा यहाँ स्क्रीन देखो कितनी बड़ी लगा रखी है भाई, यहाँ से पूरी लाइटिंग लग रही है, ऊपर एक फ्लाई ओवर है, और ये सामने मॉल है, यहाँ के मॉल कैसे होते हैं भाई, नीचे मॉल होता है, ऊपर रहने के लोगों के लिए जगह होती है, और रेड लाइट तोड़ना यहाँ पर कॉमन है, देखो कैसे जा रहे हैं आप देखते रहो, चारों तरफ रेड लाइट हो रखी है, गाड़ियाँ देखो ये लास्ट मोमेंट पे भगा के ले गया, कुछ नहीं आ रहा, यहाँ कोई फॉलो नहीं करता रूल वगैरह भी, ये लड़की देखो कोई गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं है, सब चारों तरफ देखो ये भाई बीच में फंस गया ना, अब आराम से निकाल लिया, कोई दिक्कत है, वो कितने सारे बंदे एक साथ जा रहे हैं, कभी ऐसी देखी आपने रेड लाइट का सीन, इतने परफेक्ट हैं एक साथ खुलती है, पता नहीं यहाँ की रेड लाइट भी ऐसी है टेढ़ी मेढ़ी, देखो कहाँ खुली है, बीच से जा रहे हैं एकदम धनुष बाण की तरह चीरते हुए, अब देखना जैसे सामने हो रखी 11 सेकंड 10 स्टार्ट हो गई सबकी गाड़ियाँ, एक्सीलेटर पर हाथ है, और 8 सेकंड पहले एक हो गई ग्रीन, ये लो नया तरीका देख लो, अब ये देखो ये मस्त जा रहे हैं अंकल जी, अब एक दो बंदा और आएगा, देखो वो मार रहा है इधर उधर कल्टियाँ, ओ भाई भाई वो गाड़ी वाला निकाल ले गए देखो, ओह सुपर सीन। यहाँ पर अगर कभी भी लाइफ में आओ ना आप, तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखो, अब देखने से दोनों में कोई नहीं देखा, उस लड़की ने देखा भी नहीं पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, शीशे वीशे कुछ यूज़ नहीं करते हैं, कुछ कुछ लोग तो ठीक है भाई यहाँ पर, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एक जैसे ही हैं,